बात कर लेते हैं झारखंड की। कैशकांड के मुख्य आरोपी पूजा सिंघल की कल की रात जेल में कटी। उन्हें कल ईडी ने गिरफ्तार कर लिया और वो आज से 5 दिन की रिमांड पर रहेंगे। और इस गिरफ्तारी की आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक भी पहुंच रही है। विपक्ष उन पर लगातार निशाना साध रहा है। गिरफ्तारी भी हुई, जेल भी हो गई और अब ईडी की हिरासत में सारे राज उगलने होंगे। 18 करोड़ के मनरेगा घोटाले में गिरफ्तार झारखंड की खनन सचिव पूजा सिंघल की कल रात जेल में ही कटी। पूजा सिंघल को 5 दिन के ईडी रिमांड पर भेजा गया है, जेल भेज दी गई है और कल से ये 5 दिन के लिए ईडी रिमांड पर। पूजा सिंघल से 2 दिन से पूछताछ हो रही थी लेकिन सूत्रों के मुताबिक वो ईडी के सवालों का जवाब नहीं दे पा रही थी। अब पूजा सिंघल के पति पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इस बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पूजा सिंघल मामले में सीएम हेमंत सोरेन को लपेट लिया। माइनिंग का मंत्री वही, इंडस्ट्री का मंत्री वही, एनवायरमेंट फॉरेस्ट का मंत्री वही, जो कुछ भी हुआ है वो मुख्यमंत्री इसके जिम्मेदार है। और जो मेरी जानकारी है वो जानकारी ये कहती है कि सारे डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अफसर ने और खुद पूजा सिंघल जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी का ही नाम लिया। सीएम हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि इस मामले में हर जरूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खबरों से बातें आई है तो कार्रवाई निश्चित है और इस विषय पर जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो सरकार करेगी। पूजा सिंघल के घर ईडी के छापेमारी में करीब 20 करोड़ रुपए के नोट बरामद हुए थे। ABP News, आपको रखे आगे।